Hello, ladies and gentlemen, welcome back to Exotic Astrology, and I'm delighted once again to have the main man, Nitin ji, here. And we had done so many recordings, but somehow we were not able to do recordings for a long time, and finally I have caught hold of him after so long. And today we are going to discuss on Ashtakvarga. He will give a lot of explanations, and he was also showing me using Parashara's Light, the software, how he does it. And he didn't share much because he wanted to share it with all of you also. And this video will be in Hindi and English both. We will try to shift and merge both so that whoever is understanding English can also see, and whoever जो हिंदी समझते हैं वो भी देख सकते हैं. तो नितिन जी नमस्कार, प्रणाम, वेलकम, एंड प्लीज शेयर व्हाटएवर यू वांट. जय श्री राम भाभाजीत जी. सबसे पहले तो भाभाजीत भाई के साथ हमने बहुत बार रिकॉर्डिंग की कोशिश की. वी हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स. हम बैठते भी हैं लेकिन हमारे अपने डिस्कशन इतने हो जाते हैं कि हम वो कोर पॉइंट पे बात नहीं कर पाते. और दूसरा ये था कि इवन ऑन माय ओन चैनल पीपल आर डिमांडिंग कि भाई व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो विद भाभाजीत जी. तो भाभाजीत भाई भी काफी पॉपुलर है जैसे हम जानते हैं. तो लगा कि साथ में हम काम करेंगे और लेट्स सी ये कैसे वर्कआउट होता है. और जब टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे थे तो देखने में ये आ रहा था कि भाभाजीत जी ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छे वीडियोज अष्टकवर्ग पे अपलोड किए हैं. एंड मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरा भी यही फोर्टे है, लेकिन मैं कहूंगा मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है अष्टकवर्गा को लेकर. तो मुझे लगा इस टॉपिक पर हम बात करते हैं बिकॉज जितनी प्रिसाइजली भाभाजीत आप काम कर रहे हो अष्टकवर्गा पर उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. क्योंकि नॉर्मली लोग पॉइंट्स को देखते ही पॉइंट्स के पीछे बढ़ जाते हैं. यार यू नो आई एम हैविंग 30 पॉइंट्स इन सो एंड सो हाउस, तो मेरा तो ग्रोथ होगा ही होगा. या कहीं मेरे लेस देन 21 है, 22 है, देन इन दैट केस पीपल वाज यू नो क्या बोलूं मैं, डर जाते हैं कि भाई मेरी तो कुंडली में ये वाला हाउस एक्टिवेट ही नहीं होगा, वीक हो गया. बट प्रैक्टिकली वो चीज उससे अलग है. तो मुझे लगा कि आज यही डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है, कहाँ से है. तो अगर आपकी इजाजत हो कुछ बताना चालू करूं मैं. आप जो बोलेंगे वही होगा. आप ही राजा, आप ही मंत्री, आप ही ठीक है, ठीक है भाई, ये बड़प्पन है आपका. खैर मैं ये बोल रहा था कि अष्टकवर्गा एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अष्टकवर्गा इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ट्रांजिट. If you want to check transit result, you should, or I would say you must use Ashtakvarga. तो उसके बाद इसको और एडवांस रिफाइन करते 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 इसको प्रिडिक्टिव में भी यूज किया गया. टाइमिंग को छोड़कर पॉसिबिलिटी ढूंढने में भी इसका इस्तेमाल किया गया. बट जो बेसिक टूल है ये, जिसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है कि भाई Ashtakvarga से आप ट्रांजिट का रिजल्ट देख सकते हैं. अच्छा अगर हम इसकी स्टेप बाय स्टेप बात करें कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मैं यहाँ पर क्लास लेने नहीं वाला हूँ तो मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं दो तीन स्टेप बताऊंगा कि कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाता है. जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, ये स्टार्ट होता है भिन्नाष्टका से. हर एक प्लैनेट जब किसी एक हाउस में एंटर करता है तो उस हाउस में आने पर बाकी प्लैनेट उससे खुश है या ना खुश, उसके लिए हम भिन्नाष्टक यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर सैटर्न मून से सेकंड हाउस में जाएगा, मून से सेकंड हाउस में जाएगा तो हम कहते हैं साढ़े साती का लास्ट फेज, ये हम सब जानते हैं. तो अष्टकवर्गा वो कहता है कि उस कंडीशन में मून सैटर्न को पॉइंट अलॉट नहीं करेगा. हियर सैटर्न इज नॉट गेनिंग पॉइंट फ्रॉम मून बिकॉज सैटर्न इज नॉट वेल प्लेस्ड फ्रॉम मून इन ट्रांसिट. सिंपल सा प्रिंसिपल है. या मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अभी नेक्स्ट ईयर सैटर्न इज गोइंग टू मूव इनटू कैप्रिकॉन साइन एंड समवन इज हैविंग मून इन स्कॉर्पियो, कोई है अनुराधा वाला नक्षत्र वाला, तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम योर बर्थ मून सैटर्न इज गोइंग टू ट्रांजिट इनटू द थर्ड हाउस.
एंड अष्टकवर्गा विल से कि यार अब यहां पर मून उसको पॉइंट अलॉट करेगा. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भिन्नाष्टका का इस्तेमाल ये होता है कि ये प्लैनेट अगर इस हाउस में आएगा तो आउट ऑफ 8 प्लैनेट, 7 प्लैनेट एंड इंक्लूडिंग लग्न, वो कितने उससे खुश या ना खुश होंगे. राइट. अब एक डाउट डाउट हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज. सपोज किसी का इन द बर्थ चार्ट समबडी हैज सैटर्न इन सेकंड हाउस फ्रॉम द मून, करेक्ट, सो देन डज इट मीन दैट देयर आल्सो ही विल हैव 0 पॉइंट्स फ्रॉम मून? यस. यहाँ पर मैं इसको साफ और अच्छे से बताऊं तो ये होगा बाबा जी जी कि हमें बाकी प्लैनेट्स को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ मून को देखना है कि हमारे चार्ट में मून का है, वहां से 3, 6, 10, 11 में वो सैटर्न को पॉइंट दे देगा, चाहे सैटर्न बर्थ चार्ट में उसकी पोजीशन कहीं पर भी हो. राइट. ओके, तो उसको उसको उसका लेना देना नहीं कि मेरे बर्थ चार्ट में वो कहाँ पोजिटेड है, उसका सिर्फ इतना है कि मैं अपने आप से इन इन हाउसेस में सैटर्न को देखना पसंद करता हूँ. ओके ओके ओके. यही रीजन है, देखिए हम जानते हैं जुपिटर और वीनस ये बेनिफिक प्लैनेट है, राइट, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट. तो ऐसे में ये दोनों प्लैनेट, सारे प्लैनेट चाहते हैं कि ये दो ग्रह हमसे ऑलमोस्ट हर जगह पर बैठने पर दे बिकम हैप्पी. मतलब दैट्स व्हाई वीनस एंड जुपिटर हैव मैक्सिमम पॉइंट इन अष्टकवर्ग, बिकॉज शुभ ग्रह को तो हर कोई पास बिठाना चाहेगा ना. अब मैं बाबा जी से तो हमेशा मिलना चाहूंगा ना, मुझे पता है बंदा काम का है तो मैं चाहूंगा मेरे आसपास रहे. तो वैसे ही हर प्लैनेट चाहता है कि जुपिटर, मरकरी, वीनस ये अपने से बहुत सारी जगह पे बैठने पर वो उनसे खुश रहते हैं. बट वेन वी टॉक अबाउट सैटर्न और मार्स और इवन सन, हम जानते हैं वो नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट, राइट. इस वजह से कोई भी प्लैनेट ज्यादा पॉइंट उनको नहीं देता, वो सिर्फ 3 या 4 घर दिखाता है सैटर्न को या सन को कि भाई इन इन जगह पर आप अगर मुझसे बैठते हो नेटल पोजिशन से, अगर आप यहां यहां बैठते हो देन आई विल बिकम हैप्पी फ्रॉम यू. मैं इसको समझाता हूं एक जगह से, एक सेकेंड. तो ये चार्ट है. अब हम इसके अष्टकवर्ग रिपोर्ट पर आते हैं और कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि ये आया कहां से, ये जो पॉइंट मिलते हैं ये क्या है, कैसे मिलते हैं. मैंने जानबूझकर सैटर्न का पेज आपके सामने रखता हूं, ये सैटर्न के पॉइंट है. जैसे बाबा जीत भाई आपको ही पता है कि सैटर्न मैक्सिमम 39 पॉइंट गेन करता है, मैक्सिमम 39 पॉइंट ही उसको मिल सकते हैं. सारे प्लैनेट ने सोचा हुआ है कि शनि को यहां यहां बिठाकर हम खुश हैं. तो क्योंकि एरीज साइन में मून है तो यू विल सी कि जहां जहां 7.5 लगेगी एरीज वालों को, जैसे कि पाइसेस हुआ, एरीज हुआ या टॉरस हुआ, वहां पे सैटर्न का ट्रांजिट 7.5 कहलाता है, राइट, वहां वहां ये 0 पॉइंट देगा. ओके. ये देखिए पाइसेस 0, अगर स्क्रीन पर शो हो रहा है मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ इससे कि क्लियर हो जाए. ये मून है, मून के आगे हम पाइसिस पर आए तो ये 0, नेक्स्ट में 0 और उससे अगले में 0. तो ट्रांजिट का रिफाइन फॉर्म है अष्टक वर्ग, मेरा कहने का मतलब है. और हम जानते हैं कि 3, 6, 11 में, 3, 6, 11 में मैलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट मून को पसंद है. Okay. अगर मून से थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में या इलेवंथ हाउस में सैटर्न मूव करेगा तो मून को बड़ी खुशी मिलेगी, बिकॉज वो 3 घर क्रूर भावों के लिए उसने अलॉट किए हुए कि यहाँ पे क्रूर ग्रह चले तो मुझे फायदा है. उस वजह से अगर हम एरीज से काउंट करें जहां मून एरीज में होगा तो थर्ड हाउस में पड़ेगी जेमिनी. हियर यू कैन सी कि जेमिनी में उसने 1 पॉइंट दिया है. ओके. वर्गो 6 हाउस में पड़ेगी, वहां पॉइंट दिया है. और एक्वेरियस 11 हाउस में पड़ेगी मून से तो वहां पॉइंट दिया है. मैं क्लियर कर पा रहा हूँ बाबा जी जी कोई इसमें? ठीक है. यहाँ पे भी 3, 6 wherever 11 it is there, 3, 6, 11 it is giving 1 on point. करेक्ट, एब्सोल्युटली. बाकी जगह पर उसने 0 अलॉट किए हैं. एंड सरप्राइजिंगली लग्न कहता है कि मेरे ऊपर से जब शनि का गोचर होगा तो मैं उसको पॉइंट दूंगा. ओके. आप ये टॉरस असेंडेंट चार्ट था, अगर आपने पहले चार्ट देखा था तो
यहाँ पर देखिए लग्न ने पॉइंट दिया है, कहाँ है टॉरस, ये रहा, ठीक है। असेंडेंट इज गिविंग 1 पॉइंट. हाँ, तो जो मेरा लग्न होगा या जो भी आपका लग्न होगा उस पर जब शनि का गोचर होता है तो अष्टक वर्गा कहता है कि लग्न इज नॉट गोइंग टू बी अफ्लिक्टेड बाय ट्रांजिट ऑफ सैटर्न देयर, ठीक है। वो उसको पॉजिटिव काउंट करता है। हाँ, मून के ऊपर से गुजरने को अष्टक वर्गा बुरा मानता है, तभी उसने मून ने वहां स्कोर नहीं दिया, सिंपल सी बात। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि अब हम इसको रीड आउट कैसे करें। पहले भिन्नाष्टक से चालू करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे मान लीजिए सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में, आज के सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में विचार करना है। आई वॉन्ट टू सी हाउ टूडेज सैटर्न ट्रांजिट इज गोइंग टू इफेक्ट दिस नेटर, ठीक है। तो मैं सेजिटेरियस साइन में गया क्योंकि फिलहाल वो सेजिटेरियस में है, वहां उसने 4 पॉइंट लिए, ठीक है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, शनि ने 4 पॉइंट लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म है। शनि ने पॉइंट दिए नहीं है, शनि ने पॉइंट लिए हैं, ये 4 पॉइंट उसको मिले हैं, करेक्ट. ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि सो एंड सो प्लैनेट ने इतना पॉइंट दिया, वो वहां पर दे नहीं रहा है, वो वहां पर गेन कर रहा है बाकी प्लैनेट्स। हाँ, बाकी प्लैनेट्स उसको दे रहे हैं. करेक्ट. करेक्ट करेक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बिकॉज उससे हमें देखने में आसानी होती है। तो अब हमने गए सेजिटेरियस साइन पर सैटर्न की टेबल में, और ये देखा यहाँ 4 पॉइंट लिखा है, राइट, जो कि इस चार्ट में भी पता लग रहा था। अब हमने देखा कि ये 4 पॉइंट किसने दिए, क्या लग्न ने यहाँ पॉइंट दिया, तो लग्न ने यहाँ पर 0 दिए, राइट। क्या मून ने दिया, बिकॉज चंद्र राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मून ने यहाँ पे 0 दिया, जीरो राइट। क्या सन ने यहाँ पर पॉइंट दिया, हाँ सन ने यहाँ पर पॉइंट दिया। तो जैसा कि भाबा जी, आप पीछे कुछ वीडियो में, मैं आपके वीडियो देख रहा था, बड़े प्रिसाइजली आप उसमें बता रहे थे, वही चीज मैं यहाँ पर पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ कि भाई हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट इसको अलॉट किसने किए हैं। कुंडली के एग्जैक्ट. 6th 12th लॉर्ड ने तो नहीं किए, करेक्ट करेक्ट अगर करेक्ट उन्होंने किए हैं तो फिर वो गोचर मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता, करेक्ट एग्जैक्टली. ठीक है। तो यहां पर अगर लग्न और मून ने दोनों ने पॉइंट नहीं दिए, तो आई एम श्योर कि ये सैटर्न का ट्रांजिट इस नेटिव के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, चाहे यहां पे 4 पॉइंट लेके बैठा। ओके, आप म्यूट हो गए शायद। I'll हाँ just translate it in English. प्लीज। So whenever we are checking how much point it is there, okay, like you are seeing four here. So we must check, don't just check the points numerically, just check who is the planet, which who are the planets which are giving points, okay. Depending on that, you will know that this will be good for me or there will be challenges. And if the lords of the 6th, 8th, and 12th houses are contributing here, then you might face challenges there, and you may be wondering that there are too many points, but why am I suffering? Okay, so that's what he's trying to say here. Thanks, thanks for completing my point. And as per my experience, we should give extra weightage to Lagna, Lagna Lord, and Moon in Ashtakvarga, because Okay. obviously only 1 point they can allot in Ashtakvarga. There are no scope of giving 2 point. But we know how Lagna is important, how Moon Rashi is important, right? So that's why. We should give preference to Lagna, Moon, and Lagna Lord in case of checking Ashtakvarga point. For example, in Aquarius sign also, in this case, in Aquarius sign, we have 4 points, similar to Sagittarius, right? But in this case, Lagna and Moon both are providing point to the transit. What does it indicate? It indicate that when Saturn moves into Aquarius sign, although points will remain same as per equal to Sagittarius, however, the result would be quite surprising, quite beneficial for the native. Because Okay, here, although it is four here and there, but still very different. Correct, because very Moon and different, because Lagna here Lagna and Moon are getting are giving point to Saturn transit. So this is how first we need to check transit through Bhinnashtaka. And fantastic. thank you, thank you. Now the next question is, at the time in Gochara, all 8 planets are move, all 7 planets, pardon, are moving. So
to which planet we should give importance, to whom we should give importance. So obviously our slow moving planet Saturn, Jupiter should be seen in case of transit. And the other thing is Lagna Lord is quite important for us, as all we know. It represents our health, our goodwill in society. In using Ashtakvarga, hame hamesha in tino ko zyada importance inke gochar ko zarur dekhna chahiye. Okay, so in this case, it will be Moon, Lagna and Venus, because Venus correct. Is the Lagna. Correct. In this case, Moon, Lagna and Venus. Toh wo cheez hai. तो ये तो भिन्नाष्टका का पॉइंट रहा कि हमें इसको कैसे चेक करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास भी भाभाजीत भाई ये क्वेरी आती होगी कि सर मेरे सैटर्न को वहां पर एक पॉइंट मिला है, मेरे सैटर्न को वहां जीरो मिला है. ये बहुत क्वेश्चन आते हैं अष्टक वर्ग में. तो देखिए, जब आप समझना इस चीज को कि इफ यू यू नो इन केस ऑफ सैटर्न मैक्सिमम यू कैन गेट 39 पॉइंट. Okay, in any case, you are getting a constant figure, which is 39. आपका किसी हम में से किसी को भी 39 से ज्यादा नहीं दे सकता, शनि को नहीं मिलते 39 से ज्यादा, right? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका एवरेज निकाले, 12 भावों में 39 को डिवाइड करें, तो हमारे पास एवरेज आएगा 3.25, somewhere around 3.25. तो in that case, अगर आपको एक या दो मिल रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, because ये तो एक कॉमन सी फिगर है, ये शनि के लिए कोई नई बात नहीं है. आप अकेले दुनिया में ऐसे लोग नहीं हो जिसका शनि एक या जीरो दे रहा है, बहुत लोगों का देता है, तो घबराने वाली बात नहीं है. एंड उसी तरह जुपिटर के पॉइंट अगर मैं यहाँ आपको शो करूं तो वो 52 है. जस्ट अ सेकेंड, वीनस के 52 है, जुपिटर के 56 है, राइट? तो अगर मेरे पास 56 पॉइंट है, टोटल 56 पॉइंट एंड आई हैव 12 हाउसेस, सो अगर मैं डिवाइड करता हूं इसे, तो मेरी एवरेज आ जाती है 4.8 ऐसा कुछ फिगर आएगा. तो इसके में अगर आपको 6 मिल भी गया, तो कोई ऐसा नहीं मिल गया कि अरे आपने बहुत ज्यादा अटेन कर लिया. वो देगा 6-7 उसकी एवरेज है. तो एक ये बात हमें अष्टक वर्ग यूज करते हुए ये प्रिकॉशन देख लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि मैलेफिक का 1-2 भी इम्पोर्टेंट है, 2-3 भी अच्छा है, और बेनिफिक का 5-4 भी कॉमन सा नंबर है, कोई ऐसा नहीं मिल गया आपको, राइट? तो ये एक दिमाग में लोगों के आता है. तो इसको देखते वक्त जरूर भिन्नाष्टका को यूज करते हुए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए. पहला चीज तो ये, तो दैट मींस इफ समवेयर फ्रॉम जुपिटर वी गेट द सपोज दैट नंबर इज अराउंड 5 एंड सैटर्न फ्रॉम सैटर्न इट इज 3, देन आई वुड से दैट मींस सैटर्नस वेटेज इज मच मोर प्रोमिनेंट, मच मोर हायर देन जुपिटर, इवन दो द नंबर इज लेस. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसका नंबर छोटा होने के बावजूद वो असरदार है, बिकॉज उसको जो मैक्सिमम पॉइंट अलॉट हो सकते हैं वो उतने ही है बेचारे के पास. वी हैव टू सी फ्रॉम द एवरेज व्हिच इज 3 फॉर सर्टेन 3 पॉइंट समथिंग. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड आई एम सॉरी अगर मैं कोई पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे भावजीत भाई शुरू के आपके वीडियो नहीं देखे, आई डोंट नो ये कवर आप कर चुके हैं कि नहीं, तो अगर रिपीट हो रहा हो तो क्या करूं. नो आई हैव नॉट कवर्ड ऑल दिस, आई हैव जस्ट डायरेक्टली स्टार्टेड विद दैट पॉइंट्स देयर इन द मेन. ठीक है, तो सो ट्रांजिट को देखने के लिए वी शुड यूज भिन्नाष्टका, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम लग्ना एंड मून वी शुड चेक ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप होता है कक्षा का, राइट? प्लैनेटरी कक्षा का, वो थोड़ा ज्यादा क्या कहे कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू भिन्नाष्टका. कक्षा में क्या होता है कि वी हैव 7 प्लैनेट्स एंड 8 लग्ना, तो वी डिवाइड यू नो 30 डिग्री स्पैन ऑफ राशि इनटू 8 पार्ट. ये क्यों करते हैं पहले मैं आपको उसका इंट्रो दे दूं. सी पीपल आस्क यू नो सैटर्न फॉर एग्जांपल, सैटर्न इज मूविंग इनटू कैप्रिकॉन साइन नेक्स्ट ईयर, सो पीपल मे आस्क कि मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, या कब, बिकॉज सैटर्न इज गोइंग टू स्टे इन दैट राशि फॉर 2.5 ईयर्स, राइट? सो एट वॉट टाइम वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ सैटर्न. सो this can be understood and calculate on the basis of kaksha. ab ye kaksha kya hoti hai,
as we have seven planet and lagna, on the basis of their speed, we can make this table. Just a second, I'm showing you. See, ये टेबल आप देख रहे हैं शनि वाला, ठीक है, वापस इसी पर आते हैं. यहाँ पर अगर आप प्लैनेटरी प्लैनेट्स की सीक्वेंस देखें तो आप देखेंगे सबसे जो मंदा चलता है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, और जो सबसे तेज चलता है 2 घंटे में लग्न बदल जाता है उसको नीचे रखा गया है. तो उस सीक्वेंस में इसको लिखा गया है, राइट? सैटर्न, देन जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून एंड लग्न. कक्षा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी कोई प्लैनेट किसी साइन में एंटर करता है, कोई भी प्लैनेट एक्स वाई जी, तो सबसे पहले उसको सैटर्न की डिग्री से गुजरना पड़ेगा, सैटर्न की कक्षा से गुजरना पड़ेगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे शनि एक्वेरियस में अगर आएगा, अगर हम एक्वेरियस पे यहाँ इस पर देखते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ पॉइंट मिले हैं, तो आप देखें तो सेजिटेरियस में पहला पॉइंट मिला था. तो हम इस नेटिव को कह सकते हैं कि सर, जब सेजिटेरियस में सैटर्न एंटर करेगा, एंटर करते ही आपको वो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें ट्रांजिट देखते हुए ये देखना है कि सबसे पहली इनिशियल डिग्रीज में वो जहां से मूव करेगा वहां रिजल्ट मिलेगा, या वो प्लेन पीरियड निकल जाएगा, ब्लैंक निकल जाएगा. बिकॉज एक प्लैनेट थ्रू आउट द साइन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कॉन्स्टेंटली गिव इक्वल रिजल्ट, राइट? कि भाई अब शुरू से लेके आखिरी तक रोज ही कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. सो वी नीड टू चेक कि वो कहाँ दे रहा है. जैसे जुपिटर का ट्रांजिट अभी बदलने वाला है नवंबर में, उसी को ले लेते हैं. नवंबर में वो सजिटेरियस में आएगा. तो अगर मैं इस नेटिव के लिए बात करूं, बिकॉज ये उस नेटिव का अष्टक वर्ग है, यहाँ पर सैटर्न, ये अगर मैं सजिटेरियस में देखता हूँ तो पहला पॉइंट मिला हुआ है. इसका मतलब है 6th ऑफ नवंबर के बाद जैसे ही वो एंटर करेगा तो जुपिटर इज गोइंग टू गिव रिजल्ट टू दिस नेटिव. जुपिटर उसको परिणाम देगा. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ परिणाम, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट? इन दिस चार्ट हु इज यू नो सैटर्न ऑन व्हिच हाउसेस? 9th and 10th. So you become yoga karka for this native. So when Jupiter enter into Sagittarius sign, yoga karka जो है उसने पॉइंट दिया है, तो इसका भी योग कारका कैन प्रोवाइड यू सम स्ट्रेंथ इन दैट टाइम पीरियड. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट जुपिटर ट्रांजिट, बट स्टिल वी नीड टू से बिकॉज सैटर्न इज प्रोवाइडिंग यू सम पॉइंट, सो योग कारका इज गोइंग टू गिव यू सम बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर ट्रांजिट. ओके ओके, इंटरेस्टिंग. उसके बाद वो थोड़ा, अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर दें 30 डिग्री को, तो जो भी डिग्री का वो आता है, 3 डिग्री 45 मिनट आता है आई गेस, और 4 डिग्री 17 मिनट आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. वो आप डिवाइड करके देख लेना, बिकॉज मैम आई वाज नॉट प्रिपेयर कि भैया हम ऐसे बातें करेंगे, ये तो एक रैंडम टॉक चल रही है हमारी, तो आप वो चेक कर सकते हैं. तो फिर जुपिटर की कक्षा में आएगा, वहां 0 पॉइंट मिला है, राइट? तो ऐसे करके आप ये देख सकते हैं कि साइन में कितने टाइम तक जुपिटर रिजल्ट देगा. अगर दिस मींस इन द फर्स्ट 1/8 पार्ट ही विल गिव रिजल्ट एंड इन द नेक्स्ट ही विल नॉट गिव बिकॉज़ इट्स 0 हियर. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट. ओके, सो वी नीड टू चेक एवरी ईच पार्ट वेदर द प्लैनेट इज गेटिंग एनी पॉइंट देयर और नॉट. अगर मिल रहा है तो अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेरियस इन दिस कुंडली. इन एक्वेरियस जुपिटर इज गेनिंग 8 पॉइंट आउट ऑफ 8, राइट? अगर आप ये टेबल पर ध्यान दें तो ये पूरा 1 भरा हुआ है, ये तो पूरा का पूरा ये yes. ठीक है, yes. तो अगर ये भरा हुआ है तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट जुपिटर ट्रांजिट कुछ ना कुछ इसको मिलता ही रहेगा, बड़ा इसके लिए वो रहेगा टाइम पीरियड. एंड वन थिंग मेनी पीपल विल आस्क, व्हाट डज इट मीन रिगार्डिंग दिस 2 डिग्रीज? सो फॉर दैट यू हैव टू चेक जुपिटर ट्रांजिट्स 30 डिग्रीज इन 1 ईयर, सो देन यू हैव टू सी 2 डिग्रीज और यू नो 2 पॉइंट समथिंग व्हिच एवर इट इज फॉर हाउ मेनी डेज और मंथ्स इट विल स्टे और इट विल बी इन ट्रांजिट. ओके, दोस डिग्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 degree Sagittarius to somewhere around first pada of Mula Nakshatra.
So for those days, you will see the results, right? And if zero is there, then you might not see any results, okay? Yeah. And that degree will differ for everybody. For Saturn, those 2 degrees will be very long because Saturn stays for 2.5-3 years. Absolutely. And for Sun, it is only, you know, 2 or 2.5 days. So you have to study according to the length of the planetary transit. Correct. It depends on speed of the planet, as rightly mentioned by Bhavajit Bhai. 3.75 is the correct figure. You know, 3.75 in each kaksha. So, 7 degree 30 minute, two planetary kaksha is going to be over. So, hum jante hain ki jo sun hai, take the example of sun. Sun ek rashi mein 30 degree ke liye rehta hai. और 30 डिग्री 30 डेज में कवर करता है तो 3.75 एप्रोक्सीमेटली 4 डेज के आसपास वो करेगा तो वो एक एस्टीमेट हम लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा तो वैसे इसको देखा जा सकता है तो ये कक्षा का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पराशर लाइट यहां पर मैं तारीफ करूंगा इस सॉफ्टवेयर की कि आपको वो डिटेल दे देता है एक ही जगह पर मैं आपको एक जगह शो करता हूं ये कैसे काम करता है ये देखिए ये एक नेटिव का चार्ट है इसकी पास्ट लाइफ इवेंट मैंने सारी नोट करके अपने पास रखी हुई है पढ़ने के लिए और मैं मोस्टली अपने जितने भी क्लाइंट होते हैं उनकी पास्ट लाइफ इवेंट को रखता हूं अपने पास इंपॉर्टेंट इवेंट को तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है लर्निंग बिजनेस इन्होंने काम सीखना स्टार्ट किया था 26 अगस्त 1970 को जो उन्होंने मुझे डेट दी तो मैं ये देखना चाह रहा था कि उस टाइम पर प्लैनेट किस किस कक्षा में चल रहे थे आप यहां देखिए ये दिखा रहा है कि व्हेन दिस नेटिव स्टार्टेड लर्निंग बिजनेस तो उस दिन सन वाज मूविंग इन लियो ओके एंड इट डिग्री वाइज इट वाज मूविंग इनटू मार्स कक्षा ठीक okay, है तो और मास ने उसको पॉइंट अलॉट किया है प्लस यहां पे अष्टकवर्गा उसका स्कोर कि जिस साइन में सन मूव कर रहा था वहां उस टाइम उसको कितने पॉइंट अलॉट हो रखे हुए हैं ठीक है okay. और ये टोटल पॉइंट सर्वाष्टक के ये जो आप तीसरी टेबल देख रहे हैं तो वी हैव 3 टेबल हियर और यही बारीक काम है इसका ये जैसे आप देख रहे हैं कि भाई अष्टकवर्ग में भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट मिले वो कक्षा में कितने मिले वो कक्षा में मिले या नहीं मिले बस इतना होगा जीरो होगा या वन होगा यहाँ पर कोई और तो नंबर होगा राइट एंड देन सर्वाष्टक का पॉइंट तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो इवेंट हुआ था उस दिन उस प्लैनेट को पॉइंट मिला था कि नहीं मिला था अगर नहीं मिला था तो क्यों नहीं मिला था राइट उसको इस तरह हम देख सकते हैं okay. आगे बढ़ते यू हैव नोटेड द टाइम एंड द डेट एंड देन यू हैव डन दिस Correct. And we okay, can... and another question I wanted to ask, like for example, this Jupiter and Saturn, they go direct and they also go retrograde and so many other planets. So when they go retrograde, then it will come back to the previous kaksha, right? That is the standard way of reading transits. Right. Okay, correct. Thank you. So, ye hum is tarah dekhte hain kaksha ko. तो उसके बाद भाभाजीत भाई मैं इसको एक सेकंड रुकेगा पूरा कवर करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन मैं आपको बताऊं कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है भिन्नाष्टका कक्षा एंड देन सर्वाष्टका और उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं ट्रांजिट इन डिफरेंट जोडियक साइन राइट वी आर यूजिंग अष्टकवर्गा फॉर चेकिंग ट्रांजिट इन डिफरेंट साइन बट एक और टूल है अष्टकवर्गा में जिसके थ्रू यू कैन पिन पॉइंट द नक्षत्रज ऑल्सो कि किस नक्षत्र में उसको पॉइंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ठीक है आई रिमेम्बर जिन फैकल्टी से मैंने ये सीखा था उन्होंने हमें बताया कि सो एंड सो नक्षत्र में जब शनि गोचर करेगा तो नेटिव के हस्बैंड को दिक्कत आएगी किसी का चार्ट डिस्कस कर रहे ठीक है तो हमने वो सीखा पढ़ा और उसके बाद हमने जब उसे अप्लाई किया तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला वो टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस उसको निकालना इतना बहुत सिंपल नहीं है थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा थोड़ा टाइम टेकिंग है जैसे मैंने पहले कहा लेकिन उसमें जो आंसर आते हैं वो बहुत ही एस्टोनिशिंग ऐसे आते हैं सरप्राइजिंग आते हैं कि अच्छा यहाँ पर इसका रिजल्ट छुपा था
So, transit in different nakshatra for different natives, उनका क्या impact रहेगा वो भी हम अष्टकवर्ग से देख सकते हैं, सीख सकते हैं. तो ये भी यहाँ पर है. तो अभी तो मैं यही कहना चाह रहा था भावजीत भाई, जो मैं आपके वीडियो को देखकर अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा हम एक वीडियो साथ में करते हैं और इसी टॉपिक को लेते हैं. बाकी इस टॉपिक को कंटिन्यू करें या कैसे करें अभी आप बताइए. हाँ, कंटिन्यू कर सकते. नेक्स्ट टाइम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक सम चार्ट्स एंड वी कैन सी मोर कि हाउ द एंटायर फ्लो इज हैपनिंग ना फ्रॉम स्टेप वन. ओनली ओनली फॉर वन चार्ट वी कैन डू दैट बिकॉज़ दैट विल टेक अराउंड 20-30 मिनट्स. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, इस पर जल्दी करते हैं. हाँ, एंड आई फॉरगॉट टू से इन द बिगिनिंग ही आल्सो हैज अ अमेजिंग चैनल. whoever is watching this in Hindi will mostly know his channel, Astro Life Sutras. And by chance, by mistake, if somebody doesn't know, then I will give the channel in the description section. So please go and subscribe to his channel. And you also do readings, consultations. Your website, what is the name of your website? Same, AstroLifeSutras.com. Oh, it's .com. One is YouTube channel, another is .com. So visit both the places, okay? And if they want to have a personal connection with you, you are available in Delhi, right? Right. Delhi में मैं पढ़ाता हूँ, दिल्ली में मैं रहता हूँ. बाकी मैं आप लोगों से भी obviously मैं अगर ये वीडियो हम अगर भावजीत भाई के चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं या उस पर पोस्ट कर रहे हैं तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह कंटेंट आपको भावजीत भाई के चैनल पे मिलता है. अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इनके पुराने वीडियोज को देखिएगा, बेसिक्स वीडियो को देखिएगा, एडवांस वीडियो को देखिएगा. बहुत क्या बोलते हैं, पैशनेट हैं ये एस्ट्रोलॉजी को लेकर और स्पिरिचुअलिटी को लेकर. परमात्मा इनकी ग्रोथ इसी तरह चालू रखे, यही आशा है मेरी भी. ग्रोथ तो होगा ही, मेरा आम जैसे लोग साथ रहेंगे. नहीं चलिए सर, थैंक यू सो मच. इतना टाइम निकाला आपने, महीनों बाद हुआ है फाइनली हमारा. पता नहीं कब होगा. नहीं नहीं, जल्दी होगा. और अब इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. किस कक्षा में घुसेगा मेरा, तब फिर से आपसे मुलाकात होगा. नहीं नहीं चलिए, अच्छा चलिए, ठीक है जी. थैंक यू सो मच सर, एंड सी यू अगेन. ओके, जय श्री राम.